हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निर्मला। अगर आपको मेरे बनाए हुए रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। परवल की सब्जी बनाने के लिए ये मैंने 300 ग्राम परवल लिए हैं। इनको मैंने छील करके वॉश कर लिया है और दो पीसेस में कट कर लिया है। हमें परवल को इस तरीके से ज़्यादा नहीं छीलना है, सिर्फ इतना ही छीलना है। ये देखिएगा, इस तरीके से इतना ही छीलना है इसको। ये हल्की सी इसकी परत हट जाए, बस इतना ही हम इसको छीलेंगे। ये देखिए, इस तरह से छील के ये आगे पीछे के पार्ट हटा देंगे ऐसे, और दो पीसेस में इसको कट कर लेंगे। आप चाहें तो चार पीसेस में भी इसको कट कर सकते हैं। ये देखिएगा, चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है। इसके अंदर मैंने एक बड़ा चम्मच तेल का लिया है। ये मैंने सरसों का ऑयल लिया है। आप किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं इस सब्जी को, लेकिन अगर आप मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तेल को हम अच्छे से गर्म करते हैं। हीट वाला ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इस परवल को फ्राई कर लेते हैं ऐसे। परवल को हमें 80% तक फ्राई करना है, बाकी 20% हम मसाले के साथ कुक करेंगे इसको। 2 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा देते हैं, फिर इसको पलट देंगे। ये देखिए, मुझे इसे फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। परवल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। हमें सिर्फ 80% ही इनको फ्राई करना है। अब हम इसी ऑयल के अंदर मसाले को भून लेते हैं। ये मैंने 1 कप दही लिया है, घर का जमा हुआ दही है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 से 1.5 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर मिक्स कर लेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स कर लीजिए। आप इतना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से। 1 चम्मच हम धनिया पाउडर की मिक्स करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी है। ये 1 चम्मच किचन किंग मसाला है, इसको भी मिला लेंगे। इससे इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये 1 चम्मच पाव भाजी मसाला है, इसको भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास किचन किंग मसाला या फिर पाव भाजी मसाला ना हो तो आप इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला मिक्स कर लीजिए। गरम मसाला तो हमारे सभी के किचन में होता है। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे ऐसे। ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। चलिए अब हम सब्जी बना लेते हैं। वापस मैंने सेम कढ़ाई ले ली है। हमने जिस तेल में परवल फ्राई किए थे उसी तेल में अब हम सब्जी बना लेंगे। अगर आपको तेल कम लग रहा हो तो आप 2 चम्मच और मिक्स कर दीजिए इसके अंदर। ये जीरा है, इसको डाल देंगे इसके अंदर। ये 1/4 चम्मच कलौंजी है, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये 2 तेज पत्ते हैं। अब हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज के प्याज डाल देंगे, बारीक कटे हुए। आप चाहें तो प्याज को पीस कर भी डाल सकते हैं। मैंने बारीक चॉप करके प्याज को डाला है। बारीक कटे हुए प्याज से भी सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इस प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसका प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ये 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट इसको भी इसके साथ फ्राई कर लेते हैं ऐसे। अब आप चाहें तो इस स्टेज पे टमाटर को भी पीस करके डाल सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को धीमा कर देते हैं। जो हमने दही में मसाला बना करके रखा था ना, उसको ऐड कर देते हैं इसके अंदर। अब ये देखिए, अब हम इसको इसके अंदर मिला देते हैं ऐसे। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। अभी इसको लगातार चलाएंगे ऐसे। अब हम इसके अंदर ये जो मसाला तैयार किया था ना, इसके अंदर 2 चम्मच पानी डाल करके इसमें डाल देते हैं, ताकि हमारा मसाला वेस्ट ना जाए। इस तरह से 2 चम्मच पानी हम इसके अंदर डाल देते हैं ऐसे। अब हम मसाले को अच्छे से कुक कर लेते हैं। जब तक मसाले से तेल सेपरेट ना हो तब तक इसको कुक कर लेते हैं। ये देखिए, मुझे मसाले को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और तेल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये 1 चम्मच कस्तूरी मेथी को डाल देंगे।
इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो कस्तूरी मेथी डालना बिल्कुल भी ना भूलें। इसको मिला देंगे ऐसे अच्छे से। अब जो ये हमने परवल को फ्राई करके रखे थे ना, ये मिक्स कर देंगे इसके अंदर। मिला देते हैं मसाले में अच्छे तरीके से। मसाले के साथ हम एक मिनट तक परवल को भून लेते हैं। ये नमक है, नमक हम अपने स्वाद के अनुसार मिक्स करेंगे इसके अंदर। अब अच्छे से भून लेते हैं इसको। अगर आपको सूखी सब्जी खानी पसंद है तो सब्जी हमारी तैयार है ये, लेकिन हम इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी बनाएंगे तभी ये अच्छी लगेगी। अब हम इसके अंदर एक कप पानी मिक्स कर लेते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देते हैं और ढक्कन लगा करके इसको 5 से 6 मिनट तक कुक कर लेते हैं। सब्जी को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्जी का। सब्जी हमारी बन चुकी है। बीच में मैंने इसको एक बार चेक भी किया था। ये देखिए परवल हमारे पक चुके हैं, ये देखिए। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इसको मिला देते हैं ऐसे। ये देखिए कितनी यमी लग रही है सब्जी। देखने में ही ये इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी टेस्टी होगी। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से बनाइए परवल की सब्जी, बहुत ही टेस्टी लगती है। इस सब्जी को आप रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरे परवल की सब्जी बनाने की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।